अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान एडमिशन 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं और उनके लिए हमने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जो है मैंने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया और इस ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ तरह से जो हाईलाइट्स हैं वो शो हो रही हैं। और मैंने जो है इसके जो अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं उसके लिए जो मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म डाउनलोड किया हुआ, तो आप यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका जो एडमिशन शेड्यूल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 20 प्रोग्राम के लिए जो है वो 20 जुलाई 2022 है। तो उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और एम फिल एंड पी एच डी प्रोग्राम्स के लिए जो अप्लाई की लास्ट डेट है हमारे पास वो 15 अगस्त 2022 है। तो उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और इसमें हमारे पास जो है लिखा हुआ कैंडिडेट जो एल एल बी प्रोग्राम में एडमिशन लेने चाह रहे हैं वो जो है उनको जो है अपेरेंटली जो है लैट का जो टेस्ट है या फिर जो एम सी ए जो है टेस्ट होता है वो उनके पास होना चाहिए। और एंटी टेस्ट जो है इंजीनियरिंग एंड एमसीए प्रोग्राम के लिए वो उनके पास जो है वो 23 जुलाई 2022 को होगा। और एडमिशन जो है पीएचडी एमफिल का जो टेस्ट होगा इनका वो 18 अगस्त 2022 को होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ कि गैट फॉर एमफिल एंड गैट सब्जेक्टिव फॉर पीएचडी आल्सो वैलिड फॉर एडमिशन। मतलब अगर आपके पास गैट है एमफिल प्रोग्राम के लिए और जो आपने गैट सब्जेक्टिव दिया पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो वो इसमें आप इसके थ्रू जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें अवेलेबल प्रोग्राम्स की तो उसके लिए जो है मैं इस पेज पे नेक्स्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम है फैकल्टी ऑफ साइंस में। इसमें हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं वो 20 प्रोग्राम है। बी एस फिजिक्स है, बी एस केमिस्ट्री, बी एस बायोटेक्नोलॉजी, बी एस मैथमेटिक्स है जी, बी एस स्टैटिस्टिक्स है, बी एस बॉटनी है, बी एस जोलॉजी है, बी एस बायोटेक्नोलॉजी है, बी एस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये हमारे पास जो है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास जो है वो बी एस इन्वायरमेंटल साइंस है, बी एस कंप्यूटर साइंस, बी एस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बी एस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, बी एस माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। एंड फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास जो है वो बी एस सी एग्रीकल्चर है, बी एस सी एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग है, एंड बी एस सी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एंड बी एस सी ऑनर्स है एग्री वाटर मैनेजमेंट के अंदर है सॉइल साइंस। और हमारे पास जो है फिर पी एस सी फार्म मैनेजमेंट है, 2 साल का प्रोग्राम है। ये हमारे पास मॉर्निंग इवनिंग दोनों में अवेलेबल है। पी एस फॉरेस्ट्री सिर्फ इवनिंग प्रोग्राम है, एंड बी एस सी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड बी एस सी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है। एंड फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो है वो बी एस उर्दू है, बी एस इंग्लिश, बी एस इस्लामिक स्टडीज़ है, बी एस अरबिक है, बी एस सराइकी। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के अंदर हमारे पास जो है बी एस इकनॉमिक्स है, बी एस इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, और बी एस बिजनेस इकनॉमिक्स है। इसमें हमारे पास जो है मॉर्निंग इवनिंग और वीकेंड प्रोग्राम तीनों में अवेलेबल है। देन हमारे पास यहाँ पर जो है बी एस डेवलपमेंट स्टडीज़ है जो कि इवनिंग प्रोग्राम है। फिर हमारे पास आता है बी कॉम ऑनर है, ठीक है, बी कॉमर्स के अंदर है, इवनिंग प्रोग्राम है। एल एल बी 5 साल का प्रोग्राम मॉर्निंग के अंदर अवेलेबल है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो बी जी यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज जो है इसके यहाँ पर मेन कैंपस, इसमें हमारे पास जो बी बी ऑनर बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर करा रहे हैं, ए डी पी डिग्री इनके पास, ए डी बी बिजनेस एडमिशन करा रहे हैं आई एम एस, और बी एस सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, बी एस इंटरप्रीनरशिप है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है बी एस सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम है, बी एस सी सिविल इंजीनियरिंग है, बी एस सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी एस सी कंप्यूटर साइंस, बी एस सी बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, बी एस सी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बी एस सी मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है। एंड बी जी यू बहादुर सब कैंपस लगिया वाला जो है इसमें हमारे पास जो है वो बी बी ए ऑनर करा रहे हैं, बी एस इकनॉमिक्स है, बी एस एजुकेशन, बी एस सोशोलॉजी, बी एस अप्लाइड साइकोलॉजी है, बी एस इंग्लिश है, एंड बी एस सी एग्रीकल्चर है। और इसमें हमारे पास जो है बी जी सब कैंपस जो बिहाड़ी वाला है उसके अंदर हमारे पास जो बी एस इकनॉमिक्स है, बी एस अप्लाइड साइकोलॉजी, बी एस मैथमेटिक्स, एल एल बी 5 साल का प्रोग्राम जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में अवेलेबल है। एंड बी जी सब कैंपस लोधरा वाला, इसमें हमारे पास बी एस इंग्लिश है मॉर्निंग प्रोग्राम है, बी एस सोशियोलॉजी मॉर्निंग प्रोग्राम है, बी एस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी मॉर्निंग प्रोग्राम है, बी एस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्रोग्राम जो अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे एम फिल, एम एस सी एंड एम एस, ये प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है। इसमें अगर आप चेक करें फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस के अंदर जो हमारे पास है पैथोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर हमारे पास जो है वो कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स वीकेंड प्रोग्राम है, केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री, बॉटनी है जी, जोलॉजी है, और बोटनी प्रोग्राम है वीकेंड में, जरूरती प्रोग्राम भी वीकेंड में अवेलेबल है, मैथमेटिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस प्रोग्राम भी इनके पास है, इन्वायरमेंटल साइंस जो है वीकेंड वाला प्रोग्राम भी अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेज के अंदर हमारे पास उर्दू है, इंग्लिश है, अरबिक है, सराइकी है जी, इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक थाट्स एंड कल्चर है, और फैकल्टी ऑफ
एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास जो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है जी, एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर है जी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है जी, प्लांट पैथोलॉजी है जी, सॉयल साइंस है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस के अंदर हमारे पास जो है वो सोशियोलॉजी है, पोलिटिकल साइंस है, बीएड एलिमेंट्री है हमारे पास यहाँ पर 1.5 ईयर का सेकेंडरी, मास कम्युनिकेशन है, इवनिंग एंड वीकेंड प्रोग्राम एंड एजुकेशन प्रोग्राम है इनके पास, पाकिस्तान स्टडीज़ है, हिस्ट्री है जी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये भी वीकेंड प्रोग्राम है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स लॉ एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास जो है वो MS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और MBA 2 साल का प्रोग्राम है आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, देन हमारे पास यहाँ पर जो है MBA 2 साल का प्रोग्राम है आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, एंड इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर MBA प्रोग्राम है, ये MBA प्रोग्राम 2 साल का हमारे पास, और MBA प्रोग्राम 2 साल का स्पेशलाइजेशन हमारे पास है बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये बिजनेस भी है और नॉन बिजनेस प्रोग्राम भी है, ठीक है, और MBA 2 साल का प्रोग्राम है, स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, और ये भी हमारे पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद जो है आपने अप्लाई करना है, 16 ईयर ऑफ बिजनेस या नॉन बिजनेस एजुकेशन जो आपकी है तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। MBA करा रहे हैं स्पेशलाइजेशन इन, हम इनके पास इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये भी आपने जो है 16 ईयर पर आपकी एजुकेशन हो बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एजुकेशन के अंदर, फिर हमारे पास जो MBA 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर है, वीकेंड प्रोग्राम है ये, और इनके पास जो फिर हमारे पास MBA 2 साल का प्रोग्राम है, स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, वीकेंड क्लासेज है, MS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च क्वालिफिकेशन इनके पास होना चाहिए, ठीक है, LLM करवा रहे हैं, MPhil कॉमर्स करवा रहे हैं, MS इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, BGU बहादुर सब कैंपस लगिया वाला है इनके पास जो है वो उसमें एग्रोनॉमी करा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास PhD प्रोग्राम रहते हैं, इसमें हमारे पास PhD इन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के, हमारे पास PhD इन केमिस्ट्री है, PhD इन बायो केमिस्ट्री, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, PhD इन फिजिक्स है, PhD इन स्टैटिस्टिक्स है, PhD इन बॉटनी, PhD इन जूलॉजी है, PhD इन मैथमेटिक्स है, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेज के अंदर PhD इन उर्दू है, PhD इन इंग्लिश है, PhD इन अरबिक स्टडीज एंड इस्लामिक स्टडीज़ है, PhD इन मैथ्स कम्युनिकेशन, PhD इन एजुकेशन है, PhD इन पाकिस्तान स्टडीज़, PhD इन हिस्ट्री है, PhD इन पोलिटिकल साइंस है, एंड फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के अंदर जो है यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है जी, PhD एग्रोनॉमी, PhD एंटोमोलॉजी है, PhD फॉरेस्ट्री है, PhD फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, PhD हॉर्टिकल्चर, PhD प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, PhD प्लांट पैथोलॉजी, PhD सॉयल साइंस, PhD पैरासाइटोलॉजी है, एंड इसके बाद हमारे पास जो है PhD IMS मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करा रहे हैं, और IBF बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करा रहे हैं, फिर इनके पास PhD इन लॉ है, फिर PhD इन कॉमर्स है, ठीक है, तो ये हमारे पास PhD प्रोग्राम्स, और फिर अगेन मैं आपको बता चलूँ हमारे पास अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो है वो 20/7/2022 है, मतलब 20 जुलाई 2022, और MPhil PhD प्रोग्राम के लिए हमारे पास 15 अगस्त 2022, और अभी अगर हम बात करें इसमें अप्लाई किस तरह से करना है तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं PhD ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम इनका स्टार्ट यहाँ पर लिखा हुआ, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि हम चेक कर सकें हमारे सामने जो है वो कौन सा पेज शो होता है अप्लाई। और ये हमारे पास जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ADA के, PSC के, BA के प्राइवेट स्टूडेंट, MSc वाले, फॉर कॉलेज वाले, फॉर PhD डिपार्टमेंट्स के लिए, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो सेक्शन 2019 और 2020 की जो है लिस्ट हो रही है, अभी 2022 वाला जो है इसका पोर्टल ओपन नहीं हुआ, तो उसके लिए जो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। बेसिकली होता है कि जो सरकारी यूनिवर्सिटी होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, इनमें जो एडमिशन की डेट होती है वो बहुत थोड़ी होती है, मतलब 10 से 15 दिन, तो उसके बीच में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब इसके यहाँ पर पोर्टल ओपन होगा तो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी जी, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अब अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब की क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।